enough, maybe Tony would still be alive. Lost a lot of people that I love. But I never imagined my life without you in it. The council's interest in our work has always been about results, not procedure. Tony, what is and always will be my greatest creation is you. क्या आयरन मैन 4 रिलीज होगी, इसे कब प्राथमिकता मिलेगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजाता, आपका बॉलीग्रे स्टूडियोज में तहे दिल से स्वागत है। इस अपकमिंग फिल्म के फर्दर अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे। जितना हम इसे वापस लेना चाहेंगे, मार्वल्स ने घोषणा की कि इसमें आयरन मैन का नया हिस्सा नहीं होगा। लेखक क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफिल ने कहा कि कुछ चीजों को समाप्त करना हो, अन्यथा ये अर्थ खो देता है, और ये सच है। उन्होंने एक ऐसे युग का उचित अंत करना सुनिश्चित किया जिसे हम देखते हुए बड़े हुए हैं। हालांकि प्रशंसक वास्तव में डॉन के नेतृत्व में एक और फिल्म देखना चाहते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ये समाप्त हो गया था। चरित्र का अंत करने के लिए एवेंजर्स 2 भाग की फिल्म के साथ आए। जब एवेंजर्स इन्फिनिटी युद्ध सामने आया तो दर्शकों को उम्मीद थी शायद दूसरे भाग में सुपर हिट जीत जाएगा और इसे दूसरी तरफ कर देगा। हालांकि एवेंजर्स एंड गेम में हमने टोनी स्टार्क को मानव जाति की भलाई के लिए खुद को बलिदान करते हुए देखा। स्टूडियो पहले से ही 2021 से शुरू होने वाली हर साल 4 फिल्में बनाने कगार पर है। मार्वल को लंबे समय तक सोचना पड़ा, वरना इससे दर्शकों को अलग करने का जोखिम होता। मार्क्स ने कहा कि अगर टोनी ने इसे दूसरी तरफ बना दिया होता तो शायद आप ये सोचकर खत्म हो जाते कि ये उन कई फिल्मों में से एक है, ये वास्तविक लग सकता है। तो अब सवाल ये है कि रॉबर्ट डाउनी ने जूनियर के बाद नया टोनी स्टार्क आका आयरन मैन कौन होगा? MCU आने वाले वर्षों में कई फिल्में बनाने की योजना बना रहा है। ये कहना कठिन है कि हम फिर से डाउनी को देखेंगे या नहीं। हालांकि प्रशंसक उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ संभावना हो सकती है और वे उसे फिर से एक सूट के साथ देखेंगे। ये भी कहा जाता है कि डिज्नी प्लस शो के एपिसोड में डॉनी टोनी स्टार्क की आवाज होगी। हालांकि अब तक ये डाउनी के लिए MCU में उचित वापसी की संभावना है नहीं है। हम निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं कि वो मार्वल्स में वापस आएंगे, लेकिन ऐसा होने की संभावना फिलहाल कम है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार टोनी स्टार्क को MCU ब्लैक विडो की अगली फिल्म दिखाया जाएगा। ये शायद पूर्ण वापसी नहीं हो। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कॉमिक बुक फिल्में हैं, इसलिए कुछ भी संभव है। शायद जब टोनी तड़क होगा, उसने किसी तरह खुद को बचाया, हो सकता है वो मल्टीवर्स से खुद का एक वैकल्पिक संस्करण होगा। हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवीज की सभी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।